बहुत सारे सीनियर लीडर बैठे हैं, सबका नाम लेना इस वक्त मुमकिन ना होगा। मैं आप जो आज आए हैं, हमारे जम्मू के वर्कर्स, हमारी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने मेरा इस्तकबाल किया, जिस प्यार से आपने मुझे यहाँ रिसीव किया, इन हालात में जबकि पूरा मुल्क, न सिर्फ जम्मू कश्मीर, जो हमारा संविधान है, संविधान के ऊपर नहीं चल रहा हमारा मुल्क, बीजेपी के एजेंडे पे चल रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था, उन्होंने उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं आज जम्मू वालों के साथ बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जैसा जम्मू में 48 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठते थे, गांव-गांव जाते थे कि उन्होंने मीटिंग्स की हैं। एक होम मिनिस्टर जम्मू के मोहल्लों में जाके मीटिंग करता है, 50-50 लोगों से बात करता है, इस ख्याल से नहीं कि मुझे जम्मू से वोट मिलते हैं, बल्कि ये सोच के कि जम्मू और कश्मीर ये एक ही जिस्म के दो अंग हैं। अगर एक को तकलीफ होगी तो वो दूसरे को भी महसूस होगी, अगर दूसरे को तकलीफ होगी तो इसको भी महसूस होगी। तो इतने मुश्किल हालात में जम्मू में वो रहते थे, जम्मू को अपनाने के लिए, जम्मू को ये कहने के लिए कि मुफ्ती साहब खाली कश्मीरियों का नहीं है, कश्मीरियों का ही नहीं है, डोगरों का भी उतना ही है, ये सरदारों का भी उतना ही है, जम्मू के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि इतनी बड़ी कुर्बानी मुफ्ती साहब ने दी। जिस वक्त हमने आपके वोट, आपने बीजेपी को वोट दिया, हमने आपके वोट की इज्जत की, हम कांग्रेस के साथ सरकार बना सकते थे, मगर उसमें जम्मू के लोगों की भागीदारी नहीं होती, जम्मू के लोगों के वोट की बेइज्जती होती अगर हम जम्मू के लोगों के को भागीदारी नहीं देते सरकार में। इसलिए कांग्रेस को छोड़ के, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के, मुफ्ती साहब ने जैसे बीजेपी की आग में अपने आप को झोंक दिया जम्मू के लोगों के खातिर, ये जम्मू के लोगों को समझना चाहिए। हमने अपने वर्कर, कश्मीर में हमारे वर्कर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे कि भाई बीजेपी के साथ चले गए, कम्युनल जमात है ये, मुसलमानों के खिलाफ है, इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया है, इनके साथ नहीं जाना है। हमारे वर्कर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, पर मुफ्ती साहब ने कहा मैंने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रखना है, मैंने इसको संभालना है, इसलिए जम्मू के वोट की मुझे इज्जत करनी है, उस जम्मू के वोट की जिन्होंने आरएस पोरा से मुझे तब जिताया जब कश्मीर में मुझे वोट नहीं। और दूसरी वजह ये थी बीजेपी के साथ जाने की कि हमने सोचा अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी परिवार के हिस्से थे, मगर जब कोई इंसान को ऊपर वाला इज्जत देता है तो वो अपनी छोटी सोच से ऊपर उठ जाता है। जिस तरह वाजपेयी जी, वो भी प्रचारक रहे हैं बीजेपी के, संघ के बाकी रहे हैं, मगर जब वो इस मुल्क के वजीर आजम बने तो उन्होंने क्या किया? पहली बस वो लाहौर लेके गए, उनको लाहौर जाने का कोई शौक था नहीं, वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या है इसका कोई संविधान निकले, इसका कोई हल निकले, ये जो बॉर्डर पे हमारे गरीब की जिंदगी बसर करे, जो वर्कर हमारा उस वक्त सर झुका के उस रैली में पहुंचा था, जब वो वापस गया तो उसका सर ऐसे था, अकड़ा हुआ था, सिर्फ वाजपेयी के तीन अल्फाज से सारी तब्दीली आ गई जम्मू कश्मीर में, हालात सुधरने लगे, मिलिटेंसी कम हो गई। और पाकिस्तान ने भी कहा, जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ ने कहा, हम जम्मू कश्मीर का संविधान चाहते हैं, हल चाहते हैं, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों से भी पूछो, वो भी खुश रहने चाहिए, हिंदुस्तान के लोग भी खुश रहने चाहिए और पाकिस्तान के लोग भी खुश रहने चाहिए। यानी पहली बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की बात नहीं की। ये थी वाजपेयी जी का बड़कपन। उसी बड़ेपन को देख के मुफ्ती साहब ने मोदी जी से हाथ मिलाया, ये सोच के कि इस आदमी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, उस मैंडेट की कदर करते हुए ये भी ऊपर उठेंगे, ये भी वाजपेयी जी का रास्ता अपनाएंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि जब मोदी जी को कश्मीर बुलाया मुफ्ती साहब ने, जो हमारे लोग
पत्थरों का रास्ते में पत्थर पड़ रहे थे हमारे वर्कर्स को, बहुत जख्मी हो गए। जब वो वहां पहुंचे मैदान में, तो मोदी जी ने कोई अच्छी बात नहीं की वहां जाकर, वाजपेयी जी की तरह कोई बात ऐसी नहीं कही। जब हमारे वर्कर वापस चले गए तो पहले जितने पत्थर पड़े थे उसके डबल पड़े, कईयों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा क्योंकि बात बनी नहीं। अरे ये मुल्क जो है, मुझे याद है एक बार मैं और मेरी बहन हम गए थे उमरा के लिए, वहाँ मदीने पाक में थे, वहाँ एक पाकिस्तानी लेडी मिली, हमसे पूछा आप कहाँ से हो, हमने कहा हम जम्मू कश्मीर से, कहा कौन से, हिंदुस्तान वाले से, हमने कहा हाँ, कहते आप कैसे रहते हो वहाँ हिंदू के साथ, मैंने कहा क्यों, मैंने कहा आप कैसे रहते हो, कहते नहीं हम तो मुसलमान हैं आपस में रहते हैं, आप हिंदुओं के साथ कैसे रहते हो, मैंने कहा बहुत अच्छी तरह, हमें तो महसूस ही नहीं होता है वो हिंदू है हम मुसलमान है, पर आपके पाकिस्तान में तो शिया सुन्नी को मारता है, सुन्नी शिया को मारता है, वो तो सब मुसलमान है, वो क्यों मारते हैं एक दूसरे को, कहती नहीं फिर भी मुसलमान मुसलमान को मारता है। तो हमने कहा नहीं हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, मगर अगर आज वो पाकिस्तानी औरत मुझे मिलेगी, इस कम्युनल जमात ने इस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क किया है कि मुझे अपना सर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे मुल्क की हालत वो नहीं है जो आज से 5 साल पहले थी। आज जिस तरह से हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे का त्योहार मनाते थे, एक दूसरे के घर आते जाते थे, हम हमारे मुसलमान भाई हिंदू घरों के में दूध देते थे और उनके घर के हलवाई की मिठाई खाते थे, आज बिल्कुल जहर मिला दिए उन्होंने हर चीज, आज किसी को किसी के लायक नहीं रखा। आपने देखा कि हमारा मुल्क, वो कहते हैं कोई कहता है हमें रोटी चाहिए, ये कहते हैं हमने 370 हटाया जमीन खरीदो कश्मीर में, कोई कहता है रोजगार दो, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हम एक साल में, यहाँ से कहते हैं हमने तो 370 हटाया जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। इतनी गुर्बत कि हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। आपने देखा कि जब माइग्रेंट्स बेचारे, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन भी कैसे हुआ, ऐसा लॉकडाउन मैंने नहीं देखा। अरे गरीब मुल्क है, जिस दिन आपने कहा थाली बजाओ उसी दिन आपको ऐलान करना चाहिए था 7 दिन के बाद मैं लॉकडाउन करने वाला हूँ, ताकि जो गरीब था मजदूर था कहीं था वो अपने घर पहुंच जाता। अरे अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, जैसे इन्हीं के लीडर ने कहा कि अगर कोई जानवर भी गाड़ी के नीचे आता है तो दुख होता है, मगर हमारे भाई बिहार के, यूपी के, पता नहीं कौन कौन से इलाकों, हजारों की तादाद में गाड़ियों के नीचे एक्सीडेंट्स में मर गए। इनके कान पे जूते नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको पता है जब वक्त आएगा लोग हमसे हिसाब मांगेंगे, हम बोलेंगे 370 जम्मू कश्मीर में जमीन।